बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। कल नाज़रीन एक क्राइम रिपोर्टर कैपिटल न्यूज़ का, जो कि एक शहीद हुआ है, मतलब उसको फायर लगे, दो मोटरसाइकिल सवारों ने लाहौर में प्रेस क्लब के सामने फायरिंग की है। ये मैं प्रेस क्लब चौक में खड़ा हूँ, इधर एहतजाज करना था सहाबी बरदरी फैसलाबाद प्रेस क्लब ने। आगे की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये मेरी इस साइड पर हम आज मौजूद हैं फैसलाबाद में, ये मेरे बैक साइड पर प्रेस क्लब फैसलाबाद मौजूद है और मेरे सामने ज़िला कौंसल जो हमारा इधर फैसलाबाद में दफ्तर है ज़िला कौंसल का, वो मौजूद है। ज़िला कौंसल चौक में सहाफ़ियों ने, प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। नाज़रीन, हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। सहाफ़ी की कोई ज़ाती अनाद नहीं होती किसी के साथ, सहाफ़ी ने अपनी खबर देना होती है, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में। कल कैपिटल न्यूज़ के जो सहाफ़ी क्राइम रिपोर्टर थे, क्राइम के हवाले से वो रिपोर्ट करते थे, स्टोरी करते थे, उनका कल मर्डर हुआ है, उनका कल उनके ऊपर फायरिंग हुई है, बेईमाना वाक़या। हम ये अपनी हुकूमत से, पुलिस से ये तवक्को करते हैं कि उस वाक़े के हवाले से पूरी इंक्वायरी की जाएगी और मुकम्मल तौर पर इसकी शफाफ इंक्वायरी के बाद जो मुलजमान हैं उनको करार वाकई और सरेआम सजा दी जाए। सहाफ़ियों को अगर ऐसे कत्ल किया जाएगा तो नाज़रीन ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि सहाफ़ी आवाम की आवाज़ होते हैं, सहाफ़ी लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं, सहाफ़ी बहुत सारे छुपे ऐसे मामलात जो कि कभी भी हुकूमत के सामने या आवाम के सामने नहीं आ सकते, वो सहाफ़ी बरादरी उनको उठाती है और उनको लोगों के सामने लाती है। हम इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस हवाले से ये जो वाक़या लाहौर में कल प्रेस क्लब के सामने कैपिटल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर जो मतलब जांबा कुए, ये इंतहाई वाक़या अफसोसनाक है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम अपने चैनल गुड न्यूज़ टीवी की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये सहाफ़ती बरादरी की तरफ से पुरजोर मजम्मत करते हैं इस वाक़े की, कि ये एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है। सहाफ़ियों का कत्ल किसी की किसी भी रियासत के हवाले से ये इंतहाई मायूब समझा जाता है। इसी तरह नाज़रीन, सहाफ़ी आवाम के हवाले से आवाम के मसाइल को उजागर करते हैं, आवाम के मसाइल को सामने लाते हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि आप उन लोगों को ही कत्ल करें जो कि आपके मसाइल को सामने लाते हैं। हमारी तरफ से कोई मुलज़म हो, कोई मुद्दई हो किसी भी मामले में, मुकदमे में, हमने सिर्फ वो जो बात है वो सामने लाना होती है कि वाकया हुआ इस तरह हुआ, ताकि किसी गरीब को जो है वो इंसाफ मिल सके, बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, ये वाकयात ऐसे जो वाकयात हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट को लाजमी, हुकूमत को लाजमी एक बड़ा कदम उठाना चाहिए और ऐसे वाकयात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए किसी अच्छे अफसर की ड्यूटी लगाई जाए और ताकि ऐसे जो मुलजमान हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।